अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से नहीं भरते हैं, इसका बेस कम करो, प्रीचिंग में बेस कम करो, सिंगिंग में ऑन करो। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तेरा जुआ खत्म नहीं होगा। लूका 1 उसकी 80 आयत, लूका 4 उसकी 1 आयत, पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत, योएल नबी की पुस्तक 2 उसकी 28 आयत, इफिसियां 5 उसकी 18 आयत। मैं फिर से पढ़ूंगा, लूका 1 उसकी 80 आयत 80, ल्यूक 1 81 उसकी 80 आयत, लूका 4 उसकी 1 आयत, पहला शमूएल 23 उसकी 14 आयत। परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? वो जुआ जो परिवार से चलता आ रहा है, वो गरीबी का जुआ, वो निराशा का जुआ, वो बीमारी का जुआ। जुआ एक ऐसी चीज है, बंधन एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर नहीं देखने देती, आपको फ्री नहीं रखती, आपको बांध के रखती है। वो फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, वो गरीबी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, बांझपन हो सकता है, अंदरूनी बीमारी हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है, एक ऐसा कर्ज हो सकता है जो शैतान ने या उसके लोगों ने आपके ऊपर रिलीज किया, आपको बंधन में, आपको जुए में रखने के लिए। और जब एक जुआ आपकी लाइफ में होता है तो बड़े बड़े कनेक्शंस, बड़ी बड़ी ईमानदारी, बड़ी बड़ी अच्छापन, टैलेंट, पढ़ाई, पैसा, पहुंच, अप्रोच उसको खत्म नहीं कर सकती। अगर यह कर सकता होता, मनी सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स, यह गलत है। अगर पैसा सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता तो सेलिब्रिटी कभी भी इतना पैसा, फेम, फॉलोअर्स होने के बाद कभी भी सुसाइड नहीं करते। बाइबल कहती है अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। तोड़ने का मतलब होता है एक चीज को, रस्सी को तोड़ देना जो दोबारा जुड़ सकती है गांठ के साथ, केमिकल के साथ। लेकिन जब एक रस्सी नाश हो जाती है, जब उसको आग में जलाकर उसकी भस्म बना दी जाती है, उसे खत्म कर दिया जाता है, उस तरह की नाश करता है परमेश्वर जुए जो आज पवित्र आत्मा की अग्नि से आपकी लाइफ और फैमिली में नाश होने वाला है। अब बात यह है, एक क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? जीसस क्राइस्ट, ख्रिस्त क्या मतलब है? क्राइस्ट का मतलब अनॉइंटेड, एन अनॉइंटेड वन, एक मसा किया हुआ। आपकी रियल आइडेंटिटी यही है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप मसा किए हुए होंगे और बंधनों से आजाद होंगे। और अगर आप क्रिश्चियन हैं लेकिन मसा किए हुए नहीं हैं, इसका मतलब आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, या तो आपको यह वचन मिला नहीं, या तो आपने अपनी लाइफ को बदला नहीं, या आज आप वचन सुन के अपनी लाइफ को उस वचन के मुताबिक जो मैं आपको बताऊंगा पवित्र आत्मा की भरपूरी होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक आने के बाद आपकी लाइफ का जुआ जुआ नहीं रहता। मेरी लाइफ में डिप्रेशन था, पागलपन था, बीमारियां थी, लेकिन मैं गरीब नहीं था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास बिजनेस था, लेकिन ये सब चीजें मेरे काम नहीं आई, मेरे कनेक्शन काम नहीं आए, डॉक्टर्स काम नहीं आए, कुछ भी काम नहीं आया। लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण वो सारे जुए नाश कर दिए गए। जब पवित्र आत्मा के कारण वो जुआ नाश कर दिया जाएगा तो वो इस तरह से नाश होगा कि दोबारा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी बॉडी में वो शैतान, वो जुआ, वो बंधन कभी वापस नहीं आएगा। इस तरह से भस्म बनाकर, इस तरह से धूल बनाकर उड़ा दिया जाएगा। इस वचन को अब ध्यान से सुनना, आमीन। अब हमें यह बात समझ आ चुकी है कि मुझे बंधनों से छूटने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, हाँ या ना? आवाज आ रही है पीछे? अब तो अमेरिका का साउंड आनी चाहिए, आ रही है आवाज के नहीं? अब मुझे यह मालूम हो गया कि अब मुझे बंधन से आजाद होने के लिए, मुझे जुए से आजाद होने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए।
लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके पास नहीं होता, और वो किन लोगों के पास होता है। आज हम वो चीजों को समझेंगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे एक्सेप्ट करेंगे। कई बार जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, परमेश्वर मुझे बेबी चाहिए, मुझे बांझपन के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस गरीबी के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस फेलियर के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे इस लिमिटेशन के जुए से, डिले के जुए से आजाद कर, परमेश्वर मुझे गरीबी के जुए से आजाद कर, मुझे फेलियर के जुए से, मुझे अच्छे कैरियर के फेलियर होने से के जुए से आजाद कर। ये सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर आपकी सुनता है, और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने दासों से बात करता है कि अपनी कलीसिया को कौन सा वचन देना है। ये आपकी प्रेयर्स हैं जो इस तरह का वचन आज आपके बीच में मैं लेके आया हूं, आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जब आप मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे आजाद कर, तो वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेजकर, यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। आज अगर आपने ये वचन सुना और माना, आप पवित्र आत्मा से भरपूर होंगे, और अगर पवित्र आत्मा से भरे, अभिषेक से भरे, तो वो जुआ आज नहीं तो कल बिल्कुल फिनिश होगा। आप उसे देखने पर भी, ढूंढने पर भी ना पाएंगे। बाइबल कहती है अपने दुख को इस तू भूल जाएगा, जिस तरह बहता हुआ पानी जब निकल जाता तो भूल जाता है, उसी तरह तू अपने दुख को बहते हुए पानी के समान भूल जाएगा। आज आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर करने जा रहा है वो महान होगा। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है।